कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच एक राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। ये वो खबर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर जरूरी चीजों की दुकानें भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हैं। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यानी कोरोना के बचाव के लिए जो एहतियातन जरूरी है, उन्हें ही शर्तों के तौर पर लागू किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये भी है कि दुकान खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।